दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस करने जा रहे हैं, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक और सी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे ये कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हो टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब और टू गेट अ सीट इन अ वेरी नॉन कॉलेजेस, तो आपके पास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, एज वी हैव डिस्कस्ड नाउ। तो हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए यहां पर ये लाइन है, तो लाइन जिस इक्वेशन का ग्राफ आप बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बने, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन बने तो वो कब बनता है, मतलब जो ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन है वो कैसा सा बनेगा, उसका शेप जो है किस पर डिपेंड करता है। किसी भी इक्वेशन के डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब अगर डिग्री जो है जीरो है, डिग्री अगर जीरो है तो भी वो लाइन ही बनता है, लेकिन वो जो है कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है तो उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, ठीक है। और अगर हमारे पास डिग्री वन है, ठीक है, डिग्री अगर वन है तो ये लाइन बनता है, इसका ग्राफ जो है लाइन बनेगा। और हम उस केस में उस लाइन उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। डिग्री वन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, डिग्री टू इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी की वीडियो बाद में हमें अपलोड करेंगे हम उसका। तो हमारे पास जो है अभी लीनियर इक्वेशन देखना है, तो इसमें लीनियर ये है कि डिग्री वन इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो पूछेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तक ही पूछेंगे, तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें वेरिएबल्स भी लिमिटेड होंगे, मतलब वन वेरिएबल वाला भी पूछा जा सकता है पर वो कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाता है, इसीलिए हमें जो है दो वेरिएबल्स के आने के चांसेस होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर वन वेरिएबल वाला, जैसे अगर हम देखें वन वेरिएबल का आ सकता है या टू वेरिएबल का आ सकता है, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो वन वेरिएबल में हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान रखिए कि हमें जो है एग्जांपल में दिया हुआ है 2x-4=0। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो एज वी ऑल नो कि क्या करना होगा, तो 2x = हमें 4 लिखना होगा और फिर x = 4/2 करना होगा, फिर 4 को 2 से कैंसिल कराने के बाद वी विल गेट 2, ठीक है। तो x = 2 आ जाएगा। अब दो वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स में हमारे पास जैसे x + y = 4 हो सकता है और 2x + y = 5 हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम बनेंगे, क्योंकि हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन गेट करना है तो जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे जिनको कि हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए, पर कई बार क्या होता है आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी
सॉल्यूशन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिस्टम अगर दिया हुआ है तो इसका तो सॉल्यूशन है, लेकिन हर एक का सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम उस चीज को देखते हैं कि वो कैसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, वन वेरिएबल हैज नो प्रॉब्लम, ये बहुत ही इजी गो चीज है। मतलब आप जो है सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया है, तो बहुत ही आसान होता है। जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है, उसमें हमें थोड़ा काम करने की जरूरत होती है। तो हम जो है बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास पहले इसके लिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो है हम जो है यहां पर कैसे पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है उसके लिए आपको a1 by a2 ये जो दो वैल्यूज हैं उसका रेशियो निकालना होगा, b1 by b2 निकालिए और c1 by c2 निकालिए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक ये है और एक ये है, जहां पर कि हमें साइन कोई भी आ सकता है, मतलब इक्वल टू भी आ सकता है, नॉट इक्वल टू भी आ सकता है। तो चूंकि ये दो पोजीशंस हैं, तो हमारे पास कैसे कैसे सिचुएशन बन सकता है। सिचुएशन ये बन सकता है कि यहां पर पहले वाले पे नॉट इक्वल टू आ जाए, ठीक है। मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब इसकी जगह पे यहां पर हमें नॉट इक्वल टू अगर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमें x और y की एक और एक ही वैल्यू, एक एक वैल्यू आ जाएगी, दोनों की सेम हो जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, पर वही एक एक वैल्यू ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि y की दो वैल्यूज के लिए x का एक ही वैल्यू आ रहा है या दोनों के दो दो वैल्यूज आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया जब आपके पास a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है। मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे जाएगा, ठीक है। अब जो है ऐसा हो सकता है कि यहां पर इक्वल टू आ जाए, तो जब इक्वल टू आ जाएगा तो ये केस टू बनेगा। इक्वल टू आ जाएगा तो मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो जाएगा, है ना। और तीसरी जगह मतलब ये जो दूसरा पोजीशन है यहां पर नॉट इक्वल टू है यहां पर, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जो इक्वेशंस के सिस्टम हमें दिए हुए हैं उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। और जब हमारे पास दोनों ही जगह पे मतलब यहां पर भी इक्वल टू आ जाए यहां पर भी इक्वल टू आ जाए, तो वो फिर तीसरा केस बनता है। और वो तीसरा केस कुछ इस तरह से दिखेगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो ये जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे इसके, ठीक बात है। तो ये हम जो है बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है। और जब किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन होता है, जैसे फर्स्ट वाले केस में और थर्ड वाले केस में हमारे पास सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट मतलब कि उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हो जाता है
तो मतलब हैविंग सॉल्यूशन कह लो, तो ये कंसिस्टेंट का मतलब हो गया, ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, सिस्टम लिख देते हैं यहां पर। हैविंग सॉल्यूशन मतलब जिसका की सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाते हैं कब, जब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन हो तक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो जो नो सॉल्यूशन का केस है वो क्या बन जाता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम का, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो टू वेरिएबल का सिस्टम बनता है उसको हम बाय लुकिंग एट दिस एंड कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स, मतलब कोफिशियंट्स के रेशियोज, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ देयर कोफिशियंट्स, रिस्पेक्टिव कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट्स ऑफ वाई एंड द कॉन्स्टेंट टर्म्स, वी कैन अराइव एट अ रिजल्ट कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब वेदर द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, वी कैन डिसाइड इट विदाउट सॉल्विंग दैम, राइट। सो नाउ वी हैव दिस सिस्टम गिवन, वी विल सॉल्व दैम, और एक्चुअली वी विल चेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हाउ कैन वी चेक, जैसे यहां देखिए ए वन बाय ए टू है, तो ए वन यहां पर वन है, ए टू टू है, तो ए वन बाय ए टू इस केस में क्या आ गया, वन बाय टू आ गया। बी वन बाय बी टू देखिए क्या आ रहा है, बी वन बाय बी टू आ रहा है इस केस में वन बाय वन, यानी कि ये वन आ गया, वन बाय टू वन के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो हम जो है यहां पर लिखेंगे, सिंस ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, देयरफोर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा सिस्टम का, ठीक है। तो इस तरह से हम बिना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब जो आगे हमें देखना है वो ये है कि आपको जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसको इन बीइंग अगर हमें सॉल्व करने के लिए कह दिया तो क्या होगा, ठीक है। और सॉल्व करने से भी पहले हम कुछ ये ग्राफिकल जो ये है कि अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो हमने ग्राफ बनाया, तो विदाउट मेकिंग द ग्राफ हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें जो है वो यूनिक सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहां पर जो है कंडीशंस ऐसे थे कि ए वन बाय ए टू जब नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू था, ठीक है, तो ये क्या आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। और इसका जो ग्राफिकल मीनिंग हो गया कि ग्राफ जब हम बनाएंगे उस सिस्टम का तो वो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, नो प्रॉब्लम विद इट। फिर अगर हम देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, दूसरा कंडीशन था कि ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर तो था पर ये सी वन बाय सी टू के बराबर नहीं था, तो इस केस में हमें क्या आया था, इस केस में आया था नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन आया था। अब नो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, नो सॉल्यूशन तभी होता है जब हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट ना हो। कॉमन पॉइंट्स कब नहीं होंगे दो लाइंस के, जब वो दोनों लाइंस का हम ग्राफ बनाएं और हमें पैरेलल लाइंस मिल जाए, तो मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया कि ये पैरेलल लाइंस दे रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस दे रहे हैं। फिर जो है हमारे पास तीसरा केस क्या था, तीसरा केस था कि तीनों बराबर हो गए थे, ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू तीनों बराबर हो गए थे, यानी कि ये जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस था, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस का केस था।
तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ का पर मीनिंग क्या होगा? तो ग्राफ पर का मीनिंग हो जाएगा कि ये ओवरलैपिंग लाइंस देंगे, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे, मतलब एक लाइन पे दूसरी लाइन बनेगी। इसको हम इस तरह से डबल हेडेड एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल लाइंस तो ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये कभी मिलेंगे नहीं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आप कैसे भी दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि कैसे हमें जो है क्या क्या केसेस मिलेंगे। तो आपको ग्राफिकल बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए और कहेंगे कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गेटिंग, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, और कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है। उसके बाद हमारे पास सॉल्व करने के लिए, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो मेथड हम देख लेते हैं। वो मेथड क्या होता है जो हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है? तो एल्जेब्रिकली हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड्स हैं, एक तो है सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इक्वेटिंग द कोफिशियंट मतलब इलिमिनेशन, बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स। एंड थर्ड एंड लास्ट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम लेते हैं और उस पर ये तीनों ही मेथड्स लगाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि x प्लस वाई जो है वो हमें दिया हुआ था 4 और 2x प्लस वाई हमें दिया हुआ था 5, ठीक है। हमने ये पता कर लिया है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जब आप फर्स्ट मेथड लगाएंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड, तो यहां से आप x या y की वैल्यू जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो निकाल लीजिए। तो यहां से हम मान रखिए y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब चूंकि ये मेथड क्या है, ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम जो है एक वैल्यू निकालेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालेंगे एक इक्वेशन से, और फिर दूसरे इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लाइक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 2x हो गया प्लस y है, y इज 4 माइनस x एंड इक्वल टू 5, राइट। सो वी हैव 2x माइनस x, लुक एट दिस एंड दिस, 2x माइनस x विल गिव अस x एंड 5 माइनस 4 विल गिव अस 1, सो x इज इक्वल टू 1, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब फिर ये x की वैल्यू हम वापस इसमें डालेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी, वो हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगा y इज इक्वल टू, समझ में आया। ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई भी दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, उसमें से आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर दूसरे में पुट कर सकते हैं। दूसरे में जैसे ही पुट करेंगे तो आपको पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, वो फिर हम
जो डाला था उस रिलेशन में हम डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने दूसरे वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया, उसको दूसरे इक्वेशन में डालेंगे, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें कभी भी नहीं डालेंगे। जैसे आपने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में डालिए, और सेकंड से अगर निकाला तो फर्स्ट में डालिए। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो आंसर आया है, वो है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। अब जो है हम दूसरा मेथड लगाएंगे इसी को सॉल्व करने के लिए। सेकंड मेथड हम यूज करेंगे, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स। ठीक है, तो इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स, हमारे पास ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ना कोफिशियंट्स y के बराबर ही हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे, क्योंकि इनके दोनों के साइन भी सेम ही है। तो हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले की साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाले रो की, सेकेंड रो की साइन चेंज कर देते हैं, जैसे अभी मैंने किया है। ठीक है, अब x माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस टू एक्स विल गिव अस माइनस एक्स, एंड ये y और माइनस वाई ये कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास यहां 4 माइनस फाइव विल गिव अस माइनस 1। तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि दोनों साइड से माइनस आप कैंसिल करा देंगे, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब फिर वही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, तो आप x की वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या सेकेंड वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कन्वीनियंट है। तो आप हमेशा जो है ना इजी काम करने का प्रयास कीजिए, यहां पर हमें ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम जो है इजी काम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो 1 हमने जैसे यहां डाला, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 विल गिव अस 3, तो वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यही सॉल्यूशन हमारे पास अभी आया था। ठीक है, तो आप देखिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड वी अप्लाई वी ऑलवेज गेट द सेम आंसर, तो वो तो खैर होना ही चाहिए था। ये हमने क्या लगाया? दूसरा मेथड लगाया, ये इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स लगाया। यहां पर हमने y के कोफिशियंट्स को इक्वेट करा, और फिर हमने पहले y को इलिमिनेट किया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर हमने किसी भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू डाल के दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए, जैसे ये थर्ड है, इसी को हम कर रहे हैं, तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 4 दिया हुआ था, 2x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि ये सबको, ये जैसे जो राइट साइड में है उसको भी लेफ्ट साइड में ले आइए, मतलब राइट साइड में यहां पर उन्हें सिर्फ जीरो चाहिए। ठीक है, तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और यहां पर 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है हमें यहां पर a1 क्या है, a1 है 1, b1 है 1, और c1 है माइनस 4। ठीक है, ये हमेशा हम a1 b1 c1 की वैल्यू इस तरह के इक्वेशन से निकालते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है राइट साइड में हमेशा हमें जीरो चाहिए होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो इसीलिए। अब यहां पर क्या है, a2 देखिए 2 है, b2 देखिए 1 है, और c2 देखिए वो माइनस 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x बाय ए वन एक्स बाय यहां पर होगा बी वन सी वन बी टू सी टू। ठीक है, इक्वल टू वाई बाय यहां पर होगा सी वन सी टू ए वन बी वन, और यहां पर होगा
वन बाय ए वन बी वन और बी वन ए वन ए टू और यहां पर होगा बी वन बी टू। तो बेसिकली ये है हमारे पास, ठीक है। x के नीचे b1 b2 c1 c2 कॉलम वाइज ये आ गया, y c1 c2 a1 a2 a1 a2 और यहां पर 1 by a1 a2 b1 b2, ठीक है। इसके बाद हमारा काम ये है कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कराना होता है और बीच में माइनस लगाना होता है, मतलब जो हमारे पास ये है वो है x by b1 c2 बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। इसी तरह से y के नीचे क्या आएगा, c1 और a2, c1 a2 और माइनस में आएगा c2 a1 और 1 के नीचे में क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हमारे पास जो है ये बना कैसे, तो यहां पर देखिए x है ना, x के साथ जो आता है तो वो a1 और a2 आता है, तो वो इसमें नहीं है। क्या है, x को छोड़ के जो आया है b1 b2 और c1 c2 आया है, देखिए c1 c2। फिर यहां पर भी आपको y पर जब जाएंगे तो आपको पहले ये वाला लिखना है, c1 और c2 लिखना है और फिर a1 a2 लिखना है, ये लिखा हमने। और फिर यहां पर 1 के नीचे आएगा a1 a2, वो अब c जो कांस्टेंट है उसके लिए ये वन है, तो हमारा a1 a2 और b1 b2, ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो बाकी तो आपको ये जो है b1 c2 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर माइनस बाय डिफॉल्ट लगाना है हमें, और c2 ये b2 और इंटू c1, इस तरह से यहां पर c1 a2 माइनस c2 a1 और इसी तरह से a1 b2 माइनस a2 b1 लगाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है अगर हम ये सीधा सीधा लगाएं तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू क्या है, देखिए x अब यहां पर b1 c2, तो b1 c2 मतलब माइनस फाइव हो जाएगा, वन इंटू माइनस फाइव तो माइनस फाइव हो जाएगा, तो यहां माइनस फाइव लिख देते हैं और फिर माइनस बाय डिफॉल्ट होता है b2 c1, तो b2 है 1 और c1 है माइनस फोर, तो 1 इंटू माइनस फोर तो प्लस फोर हो जाएगा, 1 इंटू माइनस फोर तो माइनस फोर हुआ और यहां माइनस है इसीलिए ये प्लस और ये फोर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर यहां पर y के लिए हम करते हैं y बाय c1 a2, तो c1 हमारे पास फोर है, a2 टू है, माइनस c1 है माइनस फोर, a2 है टू, तो माइनस एट हो जाएगा, माइनस डालेंगे और हमारे पास यहां पर c2 और a1, तो यह हो गया माइनस फाइव और वन, तो माइनस फाइव हुआ तो प्लस फाइव हम लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस होता है, तो दो माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर यहां पर वन बाय अब हमें करना है a1 b2, a1 b2, तो a1 है वन और b2 है वन, तो वन हो जाएगा बीच में माइनस, फिर हमारे पास a2 b1, तो टू इंटू वन ये माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आया x बाय माइनस वन, x बाय माइनस वन इज इक्वल टू y बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय माइनस वन। ये माइनस देखिए तीनों के नीचे है तो वो कैंसिल होके खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो देखिए आपको x इज इक्वल टू वन मिल जाएगा, फिर जब आप इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो y इज इक्वल टू थ्री मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहां पर बेसिकली आपको अब क्या मिल गया है, आपको जो फाइनल इक्वेशन है वो है x बाय माइनस वन इज इक्वल टू वाई बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय माइनस वन। तो ये तीनों जगहों पे माइनस है तो आप इनको हटा सकते हैं, तो x बाय वन इज इक्वल टू वन हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू वन हो गया जब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कराएंगे। जब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कराएंगे तो y बाय थ्री इज इक्वल टू वन,
या सिंपली y इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि हमने अभी जो बाकी दो मेथड से गेट कर रहे थे आंसर उसी के सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पर जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो आप एल्जेब्रिक मेथड्स में सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको सबसे इजी लगे, मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे अगर आप थोड़ा वर्क करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि यहां पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें सारी वैल्यूज नहीं निकालनी होती है, तो हम जो है फिर यहां पर से जिसकी जरूरत होगी, जैसे y की वैल्यू वो पूछ रहे होंगे तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पर हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलावा हमारे पास k की वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन आता है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 लगाना पड़ता है, वहां से हमें k की वैल्यू मिलती है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाए या नो सॉल्यूशन हो जाए, उन सभी के लिए हमें k या कोई भी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। समटाइम्स दे गिव लैम्डा, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको वही कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे जो हमने a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 वाला किया था। तो मतलब जो हम यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए जो कर रहे थे, वो कंडीशंस हमें यूज करना पड़ता है टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर किया। आपको ये बड़ा ही फ्रूटफुल होगा जब आप इसको सही सेंस में करेंगे। तो बहुत ही जल्द हम इसके अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और MNC एजुकेशन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारणवश तो आप कर लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर्स को कवर किया जाएगा, आपका वो चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब BBA, BCA, MCA, इन सब में भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खाली हेडिंग चेंज हो जाए, अगर मान रखिए मैथमेटिक्स कहा जाए या जनरल मैथमेटिक्स कहा जाए या न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जाए या एरिथमेटिक कहा जाए, तो आप देखते हैं कि अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशन में इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, पर वो सारे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही। तो यहां अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि मैथ्स की तैयारी कराई जा रही है, तो आप जो है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झिझक के इस MNC चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। MNC एजुकेशन चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। MNC एजुकेशन चैनल आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर एक लाइक दे दीजिए, और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या इफ यू नीड सम मॉडिफिकेशंस, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए, या आपका कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।